नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करने जा रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायालय की अवमानना के बारे में, जिसके तहत आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है। तो आज के दी करंट अफेयर शो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे और इसके अलावा इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स किस प्रकार से हैं उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दोषी करार दिया जाता है तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जाता है। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी माना है। भूषण के खिलाफ यह मामला उनके दो विवादित ट्वीट से जुड़ा हुआ है। एक ट्वीट में उन्होंने पिछले चार चीफ जस्टिस पर लोकतंत्र को तबाह करने की भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। दूसरे ट्वीट में उन्होंने बाइक पर बैठे मौजूदा चीफ जस्टिस की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 28 जून को चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो महंगी बाइक पर बैठे नजर आ रहे थे। इस तस्वीर पर प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की थी कि CJI ने सुप्रीम कोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और खुद BJP नेता की 50 लाख रुपए की बाइक चला रहे हैं। अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो इसे आप बस दो तरीके से समझ सकते हो, किसके अनुसार? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार। सबसे पहला, यदि कोई न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अवहेलना करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे हम बात करें तो अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है उस ऑर्डर को ना मानना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, या फिर अगर उस ऑर्डर का जो पालन है वो सुनिश्चित ना हो पा रहा है तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। इसके बाद अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के टाइप्स की बात करें तो इसी एक्ट के अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला सिविल कंटेम्प्ट होता है और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इस एक्ट में एक सेक्शन है 2A और इसी सेक्शन के अंडर में इन दोनों कंटेम्प्ट की बात कही गई है। तो सबसे पहले अगर हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करें तो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया, कोई रिट पास किया और उसकी कोई अवहेलना कर रहा है तो वो सब किस में आ जाएंगे? सिविल कंटेम्प्ट में आ जाएंगे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन सा हो जाता है कि न्यायालय की अवमानना में कुछ प्रकाशन किया जा रहा है, कुछ लिखित रूप से किया जा रहा है, कुछ मौखिक रूप से किया जा रहा है। जैसे कि प्रशांत भूषण ने क्या किया, एक ट्वीट करके वहां पर न्यायालय की अवमानना किया, तो वो किस में आ जाएगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यायालय की अवमानना होता है वो दो टाइप से होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। क्लियर है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 लाया गया था 1971 में, ये क्लियर है। इसके प्रोविजंस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई न्यायालय का अनादर करता है या उसके गरिमा को ठेस पहुँचाता है या अगर उसके आदेशों का कोई पालन नहीं करता है तो ये सब न्यायालय की अवमानना माना जाता है और सारे प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट में मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि न्यायालय की अवमानना सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, वो कोर्ट के जजों पर भी लागू होता है। इसका एक एग्जाम्पल है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज थे जिन पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगा था और उन्हें 6 महीनों का जेल भी हुआ था। उनका नाम है C.S. कर्नल, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी। तो इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बारे में याद रखिएगा आप लोग। न्यायालय की अवमानना से संबंधित जो इसके प्रोविजंस हैं और जो टाइप है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद इस एक्ट में एक बार अमेंडमेंट भी किया गया जिसे हम लोग जानते हैं जुडिशियल कंटेम्प्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला गया, बस इसमें ये बदलाव किया गया अगर मान लो कि मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा यानी कि न्यायालय की अवमानना का आरोप लगा तो मुझे न्यायालय के सामने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए, कुछ सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए, मुझे सच्चाई पेश करने का अवसर दिया जाए कि मैंने कोर्ट का अपमान नहीं किया है, मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। तो बस इसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि जिस पर आरोप लगा है उसे सत्य और सुविश्वास के आधार पर अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष जो है वो तर्क प्रस्तुत कर सके। 1971 में इस स्टेटमेंट का व्याख्या नहीं था या फिर इस प्रोविज़न की व्याख्या नहीं थी जिसको
2006 में अमेंड करके इस प्रोविज़न को डाला गया। तो इस बात को भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज को भी देख लेते हैं। तीन कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज हैं इसमें। सबसे पहला आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 215। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ये दोनों एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी को दंडित किया जाना है। तो इस आर्टिकल के तहत अगर कोई हाई कोर्ट की अवमानना करता है तो हाई कोर्ट उसे दंडित कर सकता है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो इसमें सबसे पहला कंसर्न्स तो ये आ जाता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 19 में कहा गया है व्यक्ति के स्वतंत्रता की आज़ादी की बात, यानी कि आर्टिकल 19 जो है वो व्यक्ति को खुलकर बोलने की आज़ादी देता है। तो बार बार एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। तो इस पर भी कंसर्न है एक्सपर्ट्स को। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे ये कहा जाता है कि अगर किसी जज पर किसी ने कुछ कमेंट किया तो वही जज जो हैं उस पर फैसला सुनाते हैं। तो इस बात को लेकर भी लोगों में काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी कहा जाता है कि इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज भी लागू है लेकिन ब्रिटेन में इसको कब का ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ माना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। तो आज के दी करेंट अफेयर शो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।